Hello students, myself Rakesh Mishra. In this video lecture, we will learn about very important topic, that is net calculation of ATP during overall aerobic respiration. As you have three mindset, the overall aerobic respiration, overall aerobic result to give rise 38 ATP energy. The overall aerobic respiration result to give rise 38 ATP energy. But how this 38 ATP energy formed during the different events of aerobic respiration? Let I begin to introduce the each steps by which we gain the different form of ATP. Listen. पहले हम ग्लाइकोलाइसिस का डिस्कशन कर दे रहे हैं. ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम ग्लाइकोलाइसिस का कर रहे हैं, जैसे लिसन, ग्लाइकोलाइसिस में क्या था, ग्लूकोज क्या बनाया था, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और यहां पे एटीपी इन हुआ था. क्या हुआ था, एटीपी इन. ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट क्या बनाया था, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट और कोई एटीपी इन या आउट नहीं हुआ. फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट क्या बनाया था, फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट और फिर एक बार क्या हुआ था, एटीपी इन हुआ था. फिर से एक बार एटीपी इन हुआ था. फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट क्या बना था, ग्लिसरेडिनाइड 3-फॉस्फेट. ये कुछ समय के लिए डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बनाया था और यहाँ पे एटीपी वगैरह यूज नहीं हुआ. इसके बाद क्या हुआ था, एक NADH+H+ बना था, एक साइड एक ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट से, यानी कि कुल दो ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट से क्या बना था, 2,1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि 2 NADH2 इन्वॉल्व हुआ. ये 2 NADH2 क्या हुआ था, आउट, 2 NADH2 आउट हुआ. ठीक है, अब ये 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या बना था, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक बार यहाँ पे एटीपी क्या हुआ था, आउट. ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रीअरेंज हुआ तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया, कोई एटीपी वेटीपी इन आउट नहीं हुआ. 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या बनाया था, ये बनाया था फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट और यहां पे भी एटीपी वगैरह इन या आउट नहीं होता. ध्यान दो, ये 2 ATP, यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 PGA, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट की मैं बात कर रहा हूं. ठीक है, अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट क्या बना था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट के सिग्नल, फिर से एक बार क्या हुआ था, एटीपी आउट हुआ था. तो यहां पे हम टोटल एटीपी आउट को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, लिसन, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस नेट गेन एटीपी कैन बी कैलकुलेटेड एज टोटल एटीपी आउट माइनस टोटल एटीपी इन. टोटल एटीपी जितना आउट होता है उसमें से टोटल एटीपी जितना इन होता है घटा देते हैं. ठीक है, तो अब यहां पे एक बात जानो कि 1 NADH2 क्या बनाता है, 3 ATP. 1 NADH2 दिख नहीं रहा है यहां पर, बनाता है 1 NADH2 क्या बनाता है, 3 ATP. एक NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंट्री करके 3 ATP बनाता है. तो यहां पे 2 NADH2 आउट हो रहा है, इसका मतलब 6 ATP बनेगा. इट मींस टोटल आउट को अगर कैलकुलेट कर दे तो 2 NADH2 प्लस, ये सीधे सीधे ATP निकल रहा है, 2+2 ये 2 ATP, यानी कि +4 ATP माइनस टोटल एटीपी कितना इन हो रहा है, 1 ATP यहां और 1 ATP यहां, यानी कि 2 ATP शुरुआत में ही इन हो रहा है, इसके बाद कोई इन नहीं हुआ, आउट हो रहा है. ठीक है,
अब यहाँ पे 2NADH2 क्या बना रहा है, 2NADH2 बना रहा है ये 6 ATP, 2NADH2 6 ATP बना रहा है, ठीक है, प्लस 4 ATP माइनस 2 ATP, इट मींस द 10 ATP माइनस 2 ATP इज इक्वल टू 8 ATP, ये याद रखना। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस कितने एटीपी गेन हुए, 8 ATP, इक्वेशन वन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 8 ATP का नेट गेन होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, ठीक है। अब आप पहले सेकेंड स्टेज लिख दे रहे हैं, सेकेंड स्टेज ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है ये भी ध्यान देना है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन उसका मैं डिस्कशन कर दे रहा हूं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, देखो ग्लूकोज ये जो बनता है, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड जब बनता है तो ये पाइरुविक एसिड दो मॉलिक्यूल, ये पाइरुविक एसिड कितना है, दो मॉलिक्यूल, ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल एक एक साइकिल में इंटर करेंगे, उसका नाम है टीसीए साइकिल, दिस इज द टीसीए साइकिल, दिस इज द टीसीए साइकिल। तो एक पाइरुविक एसिड एक टीसीए में इंटर करेगा लेकिन डायरेक्ट इंटर नहीं करेगा, क्या बनाएगा, एसिटिल को एंजाइम, ये लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया, तो इससे एसिटिल को एंजाइम ए बनेगा, इससे भी एसिटिल को एंजाइम ए बनेगा, डायरेक्ट इंटर नहीं करेगा। सो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाइरुविक एसिड इनटू एसिटिल को एंजाइम ए इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और यहां पे 2NADH2 आउट होता है, 2NADH2 कैसे आउट होता है, 1NADH2 यहां से और 1NADH2 इस पाइरुविक एसिड से आउट होता है, ठीक है। सो 2NADH2 आउट हुआ ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, 1 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इज इक्वल टू 1NADH2, तो 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इज इक्वल टू 2NADH2, इट मींस द 6 ATP, ये याद रखो 6 ATP बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन थर्ड, यानी पॉइंट थर्ड में, ड्यूरिंग टीसीए साइकिल, ड्यूरिंग टीसीए साइकिल। अब देखो एक टीसीए में कितने एटीपी बन रहे हैं, दूसरे टीसीए में उतने एटीपी के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उधर समझा दे रहे एक बार दोबारा से याद रखें, दोबारा से मैं समझा रहा हूं, उसको याद रखना है अच्छे अच्छी तरह से। जिसे एक टीसीए के बारे में कल बताया था क्या होता है, जो आपका सिट्रिक एसिड होता है उससे क्या बनता है, आइसोसिट्रिक एसिड, और यहाँ पे एटीपी वगैरह यूज नहीं होता है। आइसोसिट्रिक एसिड के बाद क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और यहाँ पे 1NADH2 ये बाहर निकलता है, 1NADH2 ये बाहर निकलता है, ये याद रखना, ठीक है। 1NADH2 थोड़ा सा इक्वेशन को अंदर कर दे रहे ताकि आपको दिखे। देखो क्रैब साइकिल में क्या हुआ था, सिट्रिक एसिड क्या बनाया था, आइसोसिट्रिक एसिड, कोई एटीपी नहीं, आइसोसिट्रिक एसिड क्या बनाया था, आइसोसिट्रिक एसिड बनाया था अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, इससे क्या निकला था, 1NADH2 निकला था, 1NADH2 निकला था। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में 5 कार्बन का है, इससे सब्सिलिन को एंजाइम ए जब बना था तो जीटीपी बना था, याद करो जीटीपी बना था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जीटीपी इधर बना, NADH2 वन मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी, ये याद करना है, वन मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी, ये सक्सिलिन को एंजाइम ए अब बनाएगा सक्सिलिनिक एसिड, और यहां से क्या निकलेगा, फिर से एक बार NADH2 निकलेगा वन मॉलिक्यूल, ये सक्सिलिनिक एसिड क्या बनाएगा अब फ्यूमरिक एसिड, और यहां से नए तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी निकलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे FADH2। अब ये फ्यूमरिक एसिड क्या बनाएगा, मैलिक एसिड, कोई एंजाइम बन जाएंगे, मैलिक एसिड क्या बनाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फिर से यहां पे क्या निकलेगा NADH2।
टू, वन मॉलिक्यूल, ये भी वन मॉलिक्यूल। अब ये ऑक्सैलिक सिट्रिक एसिड फिर से सिट्रिक एसिड बनाएगा, तो यहाँ पे हम टोटल NADH2 को पहले काउंट कर लेते हैं, ठीक है, NADH2 वन, NADH2 टू, NADH2 थ्री, इसका मतलब क्या हो गया, वन टी सी इज इक्वल टू वन टू थ्री, थ्री एन ए डी एच टू, वन टी सी इज इक्वल टू थ्री एन ए डी एच टू, ये याद रखना, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, अब जी टी पी कितना है, वन, तो लिखेंगे प्लस वन जी टी पी प्लस एफ ए डी एच टू, कितना है वन, तो लिखेंगे वन एफ ए डी एच टू, तो ये हमारा क्या बन गया, थ्री एन ए डी एच टू वन जी टी पी वन एफ ए डी एच टू। इसके पहले मैंने क्या बताया था, ये याद करो, इसके पहले मैंने आपको बताया था, ये याद होना चाहिए सबको कि एफ ए डी एच टू, ये इक्वेशन थर्ड था, इसको मैंने अरेंज कर दिया इक्वेशन सेकेंड, इसके पहले मैंने बताया था कि एफ ए डी एच टू अगर वन मॉलिक्यूल है तो आगे चलते टू मॉलिक्यूल एटीपी की सिंथेसिस करता है, कब, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और एक अगर जीटीपी है तो क्या बनाएगा, एक एटीपी बनाएगा, एक एटीपी बनाएगा, ये बिल्कुल याद होना चाहिए था, रट जाना चाहिए, ठीक है। और एक एनएडीएच टू सबको मालूम है, वन एनएडीएच टू क्या बनाता है, थ्री एटीपी, सो थ्री एनएडीएच टू इज इक्वल टू नाइन एटीपी प्लस वन जीटीपी इज इक्वल टू वन एटीपी प्लस वन एफएडीएच टू इज इक्वल टू टू एटीपी। अब क्या होगा, नाइन प्लस वन प्लस टू इज इक्वल टू ट्वेल्व एटीपी, ये क्या ट्वेल्व एटीपी ड्यूरिंग ड्यूरिंग वन टीसीए साइकिल, सो टू टीसीए साइकिल, टू टीसीए में कितना होगा, एक पायरिमिक एसिड, एक पायरिमिक एसिड से एक टीसी होगा, तो दो पायरिमिक एसिड बनता है ग्लूकोज से, तो दो टीसी होगा, इससे कितना 1280 की, इससे भी 1280 की, तो दो पायरिमिक एसिड से कितना होगा 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2480 की, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड। अब आपके पास इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थर्ड है, थ्री है, जिसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3880 की, मीन्स एडिशन ऑफ इक्वेशन वन इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री इज इक्वल टू 3880 की। हाउ, 880 फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस प्लस 680 ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन फॉर टू पायरिमिक एसिड प्लस 2480 फॉर टू टीसीए साइकिल। एग्जाम में पूछता है हाउ मेनी एटीपी सिंथेसाइज इन वन टीसीए साइकिल, 1280 कंप्लीट टीसीए साइकिल, यानी कि दोनों एटीपी दोनों टीसीए के लिए कितना होगा 2480 मींस 2480 की सबको जोड़ेंगे कितना होगा 3880। सो दिस इज द नेट कैलकुलेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। थैंक यू।